हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले नॉर्मल फैन और बीएलडीसी फैन के बारे में डिफरेंस। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर ये नॉर्मल फैन यानी कि हमारे जो घर के सीलिंग फैन आते हैं ना, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फैन बोलते हैं हम लोग उसको, तो सीलिंग फैन और बीएलडीसी फैन ये दोनों में से कौन सा अच्छा पड़ेगा हमारे घरों के लिए, और क्यों बीएलडीसी या क्यों सीलिंग फैन अच्छा है, इसको पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो टेक्निकल तौर पर एकदम डिटेल में रहेगा, तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे नॉर्मल पंखे रहते हैं यानी कि जिसको इंडक्शन फैन या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फैन बोलते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, वर्किंग का प्रोसेस क्या रहता है। तो बेसिकली इसमें दो वाइंडिंग की जाती है, एक रहता है रनिंग वाइंडिंग और एक रहता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टर वाइंडिंग भी आप बोल सकते हैं, जिसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर का काम यह रहता है कि दोनों में फेज डिफरेंस जमा करता है, और साथ ही साथ पंखे को धक्का देकर चालू करने का जो काम रहता है या पंखे को घुमाए रखने का जो काम करता है वो कैपेसिटर करता है, यानी कि कैपेसिटर जो है वो स्टार्ट और रन करने का काम करता है हमारे नॉर्मल इंडक्शन फैन के अंदर, इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग है जिसकी वजह से रोटर बेसिकली घूमता है। सिंगल फेज पे चलता है इसलिए इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं। अभी ये सिंगल फेज जो मोटर रहती है उसके अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं कुछ इस प्रकार से रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे तो एक कैपेसिटर रहता है, यहाँ पे आपको स्टेटर दिखाई दे रहा है, एक रोटर नजर आ रहा है। ओके, स्टेटर के अंदर आपको इस टाइप की वाइंडिंग नजर आती है। ये वाइंडिंग आप ध्यान से देखोगे तो अंदर की तरफ एक वाइंडिंग है और बाहर की तरफ वाइंडिंग है। बाहर की वाइंडिंग को हम बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, और अंदर वाली वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी आप बोल सकते हैं, जिसके साथ में इस तरह से वायर जोड़ के बाहर आते हैं, जिसके साथ में कैपेसिटर वगैरह के हम लोग जैसे बताया कि फेज डिफरेंस पैदा करता है और इस तरह से काम करता है। तो ये इसे को बोलते हैं स्टेटर। और रोटर जो रहता है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई, ये देखो रिंग जैसा नजर आ रहा है, ये रोटर है जो कि इसकी बाहरी आवरण पर लगता है। जैसे ही आप इसमें सप्लाई देते हो, सप्लाई स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में जाता है कैपेसिटर की मदद से, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके आधार पे रोटर जो है रोटेट करने का यानी कि घूमने का काम करता है, और स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट यानी कि रुका हुआ रहता है। ओके, इतना समझ में आया। इसके अंदर जो कैपेसिटर लगाया रहता है जो कि एक हिस्सा उसका स्टेटर यानी कि अंदर वाली वाइंडिंग के साथ में और एक हिस्सा बाहर वाली वाइंडिंग के साथ में लगता है, जिसमें जैसे ही आप फेज सप्लाई देते हो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाहर का जो रोटर है वो घूमने की शुरुआत कर लेती है। ये उसका बेसिक टेक्निक हो गया हमारा सीलिंग फैन का। समझ में आया सीलिंग फैन कैसे काम करता है? इसमें मेन जो रहता है वो कॉइल रहता है, ये जो अंदर की कॉइल रहती है ना वो मेन रहती है। अच्छा, इसमें स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है? स्पीड कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के रेगुलेटर्स आते थे। पहले जो रेगुलेटर्स चलते थे ना वो रजिस्टिव बेस्ड रेगुलेटर्स बोलते हैं। वो आपने वो बड़े वाला रेगुलेटर आता है तोड़ के देखा रहेगा, तो उसमें ग्रीन कलर का कुछ आपको डिवाइस या कंपोनेंट नजर आएगा। वो बेसिकली रजिस्टर था जो कि ज्यादातर पावर लॉसेज उसमें बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन आजकल जो रेगुलेटर्स देखे थे छोटे हो गए, उसके अंदर तोड़ के देखे तो कैपेसिटर जैसी कोई चीजें निकलेगी, बराबर है? तो बेसिकली आजकल के बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं पावर कंजम्पशन के मामले में, पावर लॉसेस के बारे में। इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर वो वीडियो आपको डिटेल में देखना है रेगुलेटर्स के बारे में, तो यहां पर आइकॉन दिख रहा है, इस पर खाली क्लिक कर दीजिए तो वो वीडियो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं बीएलडीसी मोटर के बारे में। बीएलडीसी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डीसी मोटर्स के बारे में कि भाई डीसी मोटर क्या है, बाद में बीएलडीसी पे जाएंगे, करेक्ट? तो डीसी मोटर को अगर समझना है ना, ये एनिमेशन को आप देखिए, इस एनिमेशन में ध्यान से देखेंगे तो न्यूट्रल फेज का वायर है जो कि काले पट्टे से यहां पर किधर इधर जुड़ा हुआ है, गोल्डन दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज कलर का जो चीज दिखा दे उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, दिख रहा है? ये कम्यूटेटर है ये वाला हिस्सा, और ये ब्रशेस बोलते हैं, ये जो काले कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये ब्रश रहता है। जैसे ब्रश को सप्लाई दोगे तो कम्यूटेटर पे जाएगा और इसके वजह से ये गोल गोल घूमता है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे कम्यूटेटर है, ड्राइवर्स ये जो अपना ब्रशेस है, जैसे आप उसको दोगे सप्लाई दोगे, सप्लाई यहां पे आएगा कम्यूटेटर पे, यहां से इसमें जाएगा और इसकी जगह पे गोल गोल घूमेगा, और गोल घूमने का वो परमानेंट मैग्नेट का हो सकता है या तो उसके अंदर भी वाइंडिंग की जाती है, इसको स्टेटर बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये बेसिक हो गया हमारा जो डीसी मोटर जो रहता है उसके बारे में। लेकिन इसके अंदर मेन दिक्कत क्या थी? ब्रशेस, ये ब्रश जो है ना उसकी मेन दिक्कत है। क्यों? इसका पंखा भी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रशेस की दिक्कत क्यों है? देखो यहां पे ध्यान से, ये जब भी ब्रश में सप्लाई देता है ना, ब्रश हमेशा कम्यूटेटर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है जो कि वहां पे घिसता है। घिसने की वजह से ब्रश जो रहता है वो खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से कहता है हर 6 महीने में चेंज कर दे बैठो,
अभी नॉर्मल हमारा जो सीलिंग फैन रहता है घर का, वो आपने लगा दिया तो 2 साल या 3 साल के बाद आपको कैपेसिटर या थोड़ा बहुत मेंटेनेंस या कॉइल का दिक्कत आएगा, लेकिन ये तो हर 6 महीने में आपको दिक्कत देता था, डिपेंड करता आपके यूज के ऊपर। तो बेसिकली ये ब्रश की वजह से ये जो है इससे पंखा नहीं बनाया जा सकता है। तो पंखा बनाने के लिए दूसरा ऑप्शन था BLDC मोटर। BLDC यानी ब्रश लेस डीसी मोटर, जिसमें ब्रश ही ना हो इस प्रकार का डीसी मोटर। समझ में BLDC का मतलब क्या है? ओके, अभी BLDC को एकदम डिटेल में समझना है ना, तो उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोटर रिमाइंडिंग, सोलर, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, वायरमैन, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, टैली, एडवांस एक्सेल, बहुत सारे अनगिनत कोर्सेस है। ये अगर कोर्सेज करना ना, तो ये मेरा आप देख सकते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ना तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल देना, मैं पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं BLDC मोटर यानी कि ब्रश लेस डीसी मोटर के बारे में। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख सकते हैं यहां पे, आप देखेंगे ना तो यहां पे कुछ कॉइल जैसा नजर आ रहा है, जैसे हम लोग ने सीलिंग फैन में अभी नॉर्मल वाला जो इंडक्शन वाला फैन था उसमें क्या था, वाइंडिंग था, वैसे ही वाइंडिंग यहां पे आपको दिख रहा है। तो आप बोलेंगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहां पे एक ही वाइंडिंग है, अब दो दो वाइंडिंग था ना पहले में, अभी इसमें तो एक ही है। दूसरी बात, इसका रोटर जो दिखने में आपको परमानेंट मैग्नेट जैसा ही दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है। समझ में आ रही बात? चलो इसको और डिटेल में जरा जानते हैं। इसका जो वाइंडिंग रहता है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख सकते हैं वाइंडिंग है। इसके वाइंडिंग में क्या हिसाब से रहता है, देखो वाइंडिंग कैसे की जाती है, सिंगल फेस को 3 फेस के हिसाब से रहता है, यानी कि आप देख सकते हैं एक वाइंडिंग जो है ग्रीन कलर में यहां से आया, यहां से आया, यहां से इधर के पॉइंट हो गया, दूसरा वाइंडिंग ये देखो इधर से ऐसा इधर, तीसरा वाइंडिंग ऐसा, यानी कि 3, 4, 5 ऐसे फेजेस बनाए जाते हैं इस मोटर के अंदर, डिपेंड करता है उसकी साइज के ऊपर, जनरली 3 फेज का रहता है। इस फेज को एक सर्किट के साथ में अटैच किया जाता है, ये सर्किट है जिसको डीकोडर सर्किट बोल सकते हैं या ECS सर्किट भी आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर रहता है ट्रांजिस्टर्स या MOSFETs। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स और MOSFET है, जैसे में इसमें से सप्लाई दी जाती है, इसमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग वक्त पर अलग अलग फेजेस में सप्लाई दी जाती है, आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम के आधार पर। तो उस हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल एडजस्ट होता है और हमारा रोटर जो है रोटेट करने का काम करता है। इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं रोटर है, यहां पे नेगेटिव पोल, यहां पे नॉर्थ पोल दिख रहा है, यहां पे साउथ दिख रहा है, जैसे ही सप्लाई देता है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ जो है आप देख सकते हैं यहां पे ग्राफ में दूर चले जाएगा, देखिए दूर चले गया, एक फेज में कुछ नहीं, ये 2 फेज में डिफरेंस हुआ, जैसे यहां पे वापस यहां पे चेंज हुआ, ये देखिए 2 फेज अलग हो गए और 1 फेज अलग रहा, इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है, ये देखिए यहां पे। लेकिन प्रोसेस करने के लिए कुछ ट्रांजिस्टर्स या MOSFET का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से अगर देखोगे, अभी देखो सप्लाई 2 फेज में, थोड़ी देर के बाद में सप्लाई देखोगे तो देखो फेज अभी चेंज हो जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा, देखिए अभी फेज देखोगे तो इन दोनों में आएगा। तो ये जो चेंजेस करने का काम करता है वो हमारी जो स्पीड रहती है ESC सर्किट वाली जो रहती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर सर्किट जो रहती है वो काम करती है, ओके, जिसको डीकोडर सर्किट भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी ये कंट्रोल करने के लिए ये सर्किट जो है कुछ इस प्रकार से नजर आती है, ये हमारी सर्किट जो है वो BLDC की सर्किट है, आप देख सकते हैं ये MOSFETs है और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो कि पावर को रेगुलेट करने का काम करता है, और इन सबको नियंत्रित करने वाला एक माइक्रो कंट्रोलर भी रहता है उसके अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक की खासियत कैसी है, उसमें हम लोग कुछ भी अटैच कर सकते हैं, जैसे रिमोट डाल दिया, स्लीप मोड का एडजस्टमेंट कर दिया, टाइमर लगा दिया कि इतने घंटे के बाद बंद हो जाना चाहिए, चालू होना चाहिए, तो ये सब बहुत सारे फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से इसके अंदर ऐड कर सकता है, ओके। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज होती है BLDC के अंदर। दूसरी बात, BLDC जो पहले के जो BLDC आते थे ना वो हॉल इफेक्ट सेंसर से चलते थे, लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हॉल इफेक्ट सेंसर पे नहीं चलती है, ये बैक EMF पे चलती है। बैक EMF क्या है मैं आगे डिस्कस करता हूं। इसकी बदौलत क्या रहती है, इसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले सेंसर खराब हो गए सर्किट खराब हो गई, यहां पर अभी ऐसा नहीं है, बैक EMF पे चलता है, यानी कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं गधा और कैरेट है, कैरेट अगर इस तरह से लटका दे गधा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, बराबर है। यहां पर भी ध्यान से देखोगे तो अभी देखो N इधर है, एन गया आगे, आगे बढ़ेगा, देखो आगे बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, अगर ये जो पोजीशन है फटाफट अगर चेंज होगी तो स्पीड में घूमेगा, पोजीशन अगर स्लो चेंज करेगा तो स्लो घूमेगा, तो स्पीड का नियंत्रित भी आसानी से हो जाता है। तो यही खासियत होती है BLDC मोटर यानी कि ब्रश लेस डीसी मोटर के अंदर। तो इससे फायदा क्या हुआ, आपने जो नॉर्मल सीलिंग फैन की जो चीजें देखी और इसमें, तो एक तो आपने कॉइल का देखा डिफरेंस, उसमें आपके पावर लॉसेस बच गए,
जिसकी बदल आपका साल का लगभग 1000 से 1500 रुपया बचा सकता है। मुझे मालूम है आपको एक कम लग रहा है 1000 से 1500 रुपया साल का, लेकिन उससे हीट भी कम होगी, मेंटेनेंस भी कम आएगा और जो लाइफ रहती है वो भी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सीलिंग फैन। तो इसकी वजह से मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई देखो BLDC फैन महंगा जरूर है, अगर आपको सीलिंग फैन 2000 में मिलता है तो ये 4000 साढ़े 4000 में मिलेगा, लेकिन लाइफ के मामले में ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। तो मेरे हिसाब से आपका प्रेफरेंस BLDC मोटरों पर पहला होना चाहिए। ओके, ये था आज का वीडियो के अंदर मैंने जो डिटेल बताया। हाँ, इसमें एक चीज है जरूर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब हो गई तो क्या, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है ना हमारा ऑनलाइन कोर्स, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का जो कोर्स है ना ऑनलाइन में, वो पूरा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सिखाया जाता है, तो आप वो कर लीजिए तो आप सर्किट भी आप आसानी से रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर ऑनलाइन कोर्सेस के बारे में जानकारी चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, याद रखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।